नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मेरे साथ इस बार खास मेहमान है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद खट्टर जी। मेरा पहला सीधा सवाल, 3 महीने आपकी सरकार को हो चुके हैं, आपको हो चुके हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि इस मिस्टर खट्टर इन फुल कंट्रोल, फुल कमांड ऑफ द गवर्नमेंट? ओह यस, आई हैव फुल कंट्रोल ऑफ माय गवर्नमेंट एंड बिकॉज मुझे अब पहला ही साल है, पहला ही मेरा ये टर्म है, इसलिए प्रारंभ में तो मैं कह सकता था कि भी कुछ चीज़ें मुझे समझने की आवश्यकता है, लेकिन लगातार सब लोगों के संपर्क से, सब लोगों की मीटिंग्स और मेरे साथी मंत्री जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, ऐसे सब लोगों के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि भी अब सरकार की वर्किंग क्या है, कैसे है और किस ढंग से, किस दिशा में आगे बढ़ना है। आई कैन टेल इट विद माई फुल कॉन्फिडेंस कि मैं इन फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। आपके कई सहयोगी मंत्री जो हैं वो आपसे ये कहा जाए कि अनुभवी है, जैसे अनिल विज की बात की जाए तो क्या वो आपके साथ है? ऐसा कहा जाता है कि आप दोनों का थोड़ा तालमेल को लेकर, या फिर उनकी तरफ से कोई दिक्कतें आपको है, या ये कहा जाए कि सब ठीक है, सब आपके साथ है? नहीं नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है, बल्कि हम सामूहिक रूप से अपने सरकार के काम को चलाते हैं, चला रहे हैं। हम सरकारी जो हमारी मीटिंग्स हैं वो तो है ही हैं, अनऑफिशियली भी हम बार बार मिलते हैं, सब विचार विमर्श करते हैं और जो भी हमारी नीतियाँ हैं सब मिल करके बना करके आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है किसी मंत्री से, किसी विधायक से। अगर खट्टर साहब 3 महीने के 3 बड़े कामों की बात की जाए तो क्या 3 ऐसे निर्णय सरकार ने जनता के लिए लिए? देखिए, जनता बहुत सी चीज़ों से त्रस्त है जी, और उसमें मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिससे जनता त्राही त्राही मची हुई थी, जिसके कारण से जनता ने हमको एक वर्डिक्ट दिया, उसमें एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार है जी। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जी, और जिसको कहना चाहिए कि एक हमारा पारदर्शी शासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो जी, खास करके 25 दिसंबर जो आदरणीय अटल जी का जन्मदिन था जी, उस दिन हमने सुशासन दिवस के नाम से कुछ योजनाएँ शुरू की थी, जिसमें ई रजिस्ट्रेशन एक ऐसा विषय था जहाँ लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, भ्रष्टाचार होता था जी। फिर हमने उस दिन CM विंडो का उद्घाटन किया था जी। हमारे यहाँ पुलिस विभाग में 24/7 हर समय ऐसा एक पोर्टल ये बनाया गया है, तो इन सब के माध्यम से जनता की अप्रोच सरकार तक सीधी हो गई है, और जनता के जो लोग हैं, मंत्रियों के इर्द गिर्द, अफसरों के इर्द गिर्द, मुख्यमंत्री के कार्यालय, उनके घर, ये जो बार बार चक्कर काटते थे, इससे हमने उनको सुविधा दिलाई है कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मात्र अपने जिला केंद्र पर जाइए, अपनी बात कहिए और वहाँ अपना एप्लीकेशन है, अपनी जो भी ग्रीवेंस है उसको अंदर चलाइए, सीधी हमारे पास पहुँचेगी। आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है, जनता को फायदा हो रहा है, लोगों को समय बचता है, उनका पैसा बचता है, घर बैठे उनकी सुविधा उनको मिलती है, अधिकारी उनको बुलाता है, बात करता है, और कोई समस्या हल होने वाली नहीं है तो उनको कन्विंस भी करता है। खट्टर साहब, आपने करप्शन की बात की, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील्स पहले खूब चुनाव से पहले हंगामा मचाया जाता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार उस पर, खासतौर पर आप उस पर चुप है। कुछ ही दिन पहले जो है ये भी आया कि जो रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील से जुड़ी फाइल थी उसके पन्ने गायब होंगे। हम लोगों ने एक जो पॉजिटिव वर्डिक्ट जनता से लिया है जी, वो जनता जो इस प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां हैं वो आगे ना आए जी, उस शासन व्यवस्था को दुरुस्त करना जी, और आगे हमारा जो विकास का एक मार्ग है उसको प्रशस्त करना जी, एक पॉजिटिव तरीके से अपने काम करना, ये हमारी प्राथमिकता। आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से काम नहीं करेंगे? नहीं, बदले की भावना से कभी किया भी नहीं, आगे भी नहीं करेंगे। जहाँ कहीं गड़बड़ें हुई हैं उन गड़बड़ों को पब्लिक के सामने लाएंगे, उसकी जानकारियाँ हमको बहुत सी मिल गई हैं और भी जानकारी आ रही हैं, उसका हम एक सिस्टम। किस तरह की जानकारियाँ आपको मिली, किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं? गड़बड़ियाँ ये मिली कि भी बहुत से CLUs हैं वो पैसे लेकर के दिए गए, जिनको अंडर रेट करके ऐसी व्यवस्थाएँ की गई बाद में, यानी लोग एकदम मल्टी टाइम्स उन लोगों ने उसमें से कमाया, और व्यवस्थाओं को पारदर्शी न बना करके जो मन में आया सो किया। लिस्ट के ऊपर मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद शाम को फैसला होता है कि भाई फला आदमी को ये ला पहुंचा दो, तो ये जो व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, जिसको आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं गड़बड़ी हुई है, तरीके से जो कुछ किया गया गड़बड़ी हुई है, जल्द इसमें जाँच होगी, कार्रवाई होगी? होगी, निश्चित होगी, लेकिन ये हमारा प्रायोरिटी का पहला विषय है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि आखिर हमारे पास अब समय है, हम इस पर काम करेंगे, और ये चीज़ें कोई एक दिन हमारे हाथ में ऐसा नहीं है, इस पर जांच होगी, कोर्ट होगा, कोर्ट उसमें निर्णय देगा, और निर्णय के आधार के ऊपर जो ठीक है ठीक होगा, गलत है गलत होगा, जनता का जो पैसा है वो जनता को वापस मिलेगा। आपको लगता है कि
रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील्स में गड़बड़ी हुई है और आपकी सरकार जो जांच कर रही है वो जल्द पूरी होगी और इसमें भी कार्रवाई होगी। केवल एक रॉबर्ट वाड्रा का नहीं है जी, और बहुत विषय है जी, नहीं केवल हम एक चीज को लेकर के जो पीछे लगे, मुझे लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं लोग हमको उकसाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा उसमें एक है जी। रॉबर्ट वाड्रा प्रकार की गड़बड़ें और बहुत हुई हुई हैं, वो सब खुलासे में आएंगे जी। आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से आपकी सरकार काम नहीं करेगी, पिछली सरकार की जो खेल नीति थी उस खेल नीति को आपने बदल दिया, आप नई खेल नीति लेकर आ गए, क्या और भी पॉलिसीज और भी नीतियां जो पुरानी सरकार की है उनको बदला जाएगा? कौन कौन सी जो शब्द प्रयोग किया था बदल दी जी जी, हमेशा एक सुधार की गुंजाइश होती है जी। पहले भी खेल की नीति थी, उसमें सुधार करने के बाद कुछ में नई चीजें जोड़ी गई हैं जी, और नई चीजें जब जोड़ी जाती हैं तो वो सुधार होता है जी। वो बदलना विषय जो होता है ना, उसमें से कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी के पीछे पड़ गए, जो उन्होंने पहले वालों ने किया था सब गलत था, एकदम पलट के ठीक कर दो, बदल दो जी। मैं इस तरीके से नहीं सोचता जी। मैं सोचता हूँ कोई भी आज तक काम हुए हैं, आखिर बिल्कुल काम नहीं हुई है तो कभी भी नहीं काम है जी। जिस गति से होनी चाहिए वो गति कम थी, जिस पारदर्शिता से होनी चाहिए तो पारदर्शिता नहीं थी, उनको ठीक करेंगे, सुधार लाएंगे, और सुधार लाने में हर प्रकार की जहाँ जहाँ नीति में कोई कमी लगती है सब नीतियों में हम आप कह रहे हैं कि और अच्छा बनाएंगे। आखिर काम सरकार का होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, गड़बड़ियाँ ना हों, कमियाँ ना आए, गति कैसे तेज बने, कोई दिशा में अगर थोड़ा बहुत कहीं दाएँ बाएँ थोड़ा बहुत होता होगा उसको ठीक करेंगे, ठीक करना काम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत की, तो क्या ये राज्य के लिए फख्र की बात है या शर्म की बात है? देखिए ये वैसे तो नेशनल फिनोमेना है जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा जो जेंडर रेशो है जी वो काफ़ी कमज़ोर है, महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या अधिक है। एक संतुलित समाज, एक अच्छा समाज उसकी कल्पना की जा सकती है, ये कम से कम बराबर होना चाहिए। देशव्यापी समस्या को जब ध्यान किया तो हरियाणा उसमें एक बहुत पीछे है। लेकिन हरियाणा से ही शुरुआत क्यों? इसीलिए कि हरियाणा बहुत पीछे है, और हरियाणा जब पीछे है तो पहला प्रेरणा का काम इसमें हरियाणा को लेना होगा कि हम इसको ठीक करना है। जब ठीक करना है, जहाँ चैलेंज ज़्यादा तो वहीं सबसे पहले काम करना चाहिए, हरियाणा में इसका चैलेंज है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी हमने इसे यहीं से शुरुआत की है, हमने भी इसको गंभीरता से लिया है कि बेटी अब परिवार पर बोझ न बने, बेटी के बारे में जो सोच है वो ठीक हो, और उस सोच को ठीक करने के लिए जहाँ कहीं सरकार का काम है सरकार करेगी, जहाँ समाज को जागरण करना होगा समाज को जागरण करेंगे, क्योंकि मिला जुला काम है, केवल सरकार इसको ठीक करेगी ऐसा नहीं है, सामाजिक संतुलन ठीक करने के लिए समाज की भी जिम्मेवारी होती है, जब जागरण करना होता है, लोगों को शिक्षा संस्कार ये सब देने होते हैं उसमें से ठीक हो। कट्टर साहब, आपने समाज की बात की, लेकिन हरियाणा में जो खाप पंचायतें हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, एक तरफ तो ये अभियान शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नए फरमान जारी करती है, महिलाओं की ड्रेस हो या और बातें हों, तो आपको नहीं लगता और आपको लेकर ये कहा जाता है कि आप खाप पंचायतों को लेकर थोड़ा सॉफ्ट हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं सॉफ्ट हूँ, मतलब मैं केवल कोई महिलाओं उनके कामों को लेकर के मैं उसका विश्लेषण नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। आखिर जो ठीक काम है वो भी कोई महिलाओं के विरोधी हैं खाप पंचायत वाले, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। महिलाओं की सुरक्षा उनकी भी चिंता है, और खास करके जैसे मान लो कपड़ों की बात आती कुछ और आती है, एक सामाजिक संस्कार होते हैं और सामाजिक वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण में पुरुष महिलाएं लड़के लड़कियां सब उसी अनुसार चलें। ये केवल जो विषय ले लिया गया अभी केवल महिलाओं के ऊपर है, वो लड़कों के ऊपर भी है। ऐसे जो खाप पंचायतों के निर्णय है उसका मैंने स्वागत किया है। अब एक विषय उन्होंने निकाला कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए। साइंटिफिकली इट इज़ प्रूव्ड कि एक ही गोत्र में लड़का लड़की की शादी होगी तो उसका असर आगे आने वाली संतान पर पड़ता है जी, तो इसलिए सगोत्र विवाह हमारे उत्तर भारत में मान्य नहीं है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, यहाँ सगोत्र विवाह को मान्यता नहीं है। तो जो सामाजिक चीज़ें होती हैं उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो खा पंचायत तो आपके कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, अगर वो गलत फैसला लेते हैं तो आप उसका विरोध करें और कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? हमारे लिए किसी प्रकार का कोई मजबूरी नहीं है कि गलत फैसलों को मानेंगे, जो संविधान सम्मत फैसले हैं, जो लॉफुल फैसले हैं वही मानेंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ उनको नहीं होने देंगे। भूमि अधिग्रहण बिल विधेयक जो है इसको लेकर जो है ना सिर्फ किसान बल्कि विपक्ष कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, आपको लगता है कि इसको लेकर जो विरोध हो रहा है आप किसानों और कांग्रेस को विपक्ष को समझाने में कामयाब होंगे? कुछ विरोध केवल राजनीतिक विरोध होते हैं, आलोचना के लिए आलोचना। हमारा सीधा मानना है कि अधिग्रहण में किसान का भी हित होना चाहिए,
जो विकास करने का काम है सरकार का वो भी पूरा होना चाहिए। तो बिना किसान के हित के कोई अधिग्रहण किया जाएगा ऐसा नहीं है। किसान का हित होगा वही अधिग्रहण होगा, किसान की मर्जी से होगा। और जहाँ कहीं कोई बहुत आवश्यक एमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें किसान को अल्टरनेटिव व्यवस्था दी जाएगी, बताया जाएगा ये इमरजेंसी है, मानो कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा करना जो सबके हित में है, सबके हित में तो लाभ मिलेगा। कट्टर साहब, यहाँ हमको लेना होगा छोटा सा ब्रेक, आपसे सीधे सवाल हमारे जारी रहेंगे। आप देखते रहिए जी मीडिया, हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है डायरेक्ट विद दिनेश में। खट्टर साहब, भाजपा और भगवा करण का पुराना नाता रहा है, आपके शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भगवा करण तो होके रहेगा, क्या आपको लगता है कि ये देश और प्रदेश के लिए सही है? देखिए, इस विषय में हमको शब्द का जो मूल है वो समझना होगा, उसकी भावना समझनी होगी। ये भगवा करण आखिर है क्या? ये भगवा करण एक रंग के नाम से उसको एक पॉलिसी बना दी गई जी। आखिर तो इस देश की एक संस्कृति है जी, सांस्कृतिक पहचान है, और सांस्कृतिक पहचान के नाते से देश में शिक्षा और संस्कार दिए जाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उस आपत्ति न होने के कारण से अगर अच्छे संस्कार हैं, हम तो अच्छे संस्कारों की बात देश ही नहीं दुनिया में करते हैं, दुनिया में जो कुछ अच्छा जहाँ भी है उसको प्राप्त किया जाए। हमारे देश की अपनी अच्छी बातें कोई हो तो उनको तो आगे लागू करना ही है, और हमारे देश की ऐसी अच्छी बातें दुनिया में विस्तार हो रहा है उनका, और फिर हमको इन बातों की चिंता क्या? कहीं से भी शिक्षा, कहीं से भी संस्कार लिया जाए, वो किसी पुस्तक से लिया जाए, किसी संस्कृत धरोहर से लिया जाए, किसी इतिहास की बातों से लिया जाए, किसी ग्रंथ से लिया जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बात हो रही है योग प्रारंभ कर दिया, गीता प्रारंभ करेंगे, ये भगवा करण है। अरे, हमको चार बातें अच्छी अगर मान लो कहीं बाइबल में मिलेंगी या कुरान में मिलेंगी तो हम उनको कहने सिखाएंगे सब बातें सिखाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि अच्छी बातें जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं। केवल आलोचना के लिए आलोचना करते रहना इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम किसी इन बातों को लेकर के हमको कोई लज्जा आएगी या हम कोई हीन भावना से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। देश का ऐतिहासिक ग्रंथ है, उन ऐतिहासिक ग्रंथों में से अच्छी बातें बच्चों को क्यों नहीं सिखाएंगे। नरेंद्र मोदी पिछले ये कहा जाए कि 7 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है कांग्रेस उपाध्यक्ष की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ अपना पीआर कर रहे हैं और कोई काम जो है ज़मीन पर नहीं दिखाया अभी तक। ऐसा इसका आंकलन जनता करेगी, इसलिए इसका आंकलन विपक्ष के किसी नेता को करना होगा, उनका अपना काम वो करता रहे, उनको भी बात अपनी जनता को बतानी है, हमको भी बात अपनी जनता को बतानी है, निर्णय करने वाले जनता है, इसलिए इस बात की कोई बहुत बड़ी चिंता होती नहीं है। और जहाँ तक नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना का कोई बहुत बड़ा नाम को असर पड़ता ना फर्क पड़ता है, जनता देखेगी। आपको क्या लगता है, पर्सनली आपको क्या लगता है निजी तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विलक्षण एक व्यक्तित्व के मालिक हैं, और उनकी विलक्षणता इसी में नज़र आती है कि आज तक हमारे देश के समाज को नेताओं ने कैसे सिखाया, एक स्वार्थ की भावना सिखाई, ये ले लो वो ले लो, ये दे दो वो दे दो, लेन देन में ही सब चलता रहा। पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जिन्होंने समाज को कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत किया है, लेकिन अधिकार से बड़ी बात होती कर्तव्य, और कर्तव्य सेवा में से निकलता है। उन्होंने कहा कि मुझे देश का प्रधानमंत्री कहने के बजाय प्रधान सेवक यदि कहेंगे तो अच्छा लगेगा, और जनता में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस काम में आगे बढ़ सकते हैं, उन सबको सेवा का काम करना होगा, सेवा करने से ही जनता भी सुखी होगी, अपने मन को भी आनंद आएगा। एक धारा को बदला है नरेंद्र भाई मोदी ने, एक धारा को बदला है, और वो धारा बदल करके जिस दिन भी अपनी भूमिका पूरी निभानी शुरू कर देगी उस दिन हमारा देश एक नए युग में प्रवेश हो जाएगा। आप भी दिल्ली के दंगल में, दिल्ली के जो चुनाव विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें उतरे हैं, लेकिन बीजेपी को किरण बेदी को लाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि जो मोदी मैजिक है, मोदी वेव है, वो थोड़ा फेड हो गया इसलिए किरण बेदी को आपको लाना पड़ा? हर प्रदेश में, यानी नरेंद्र भाई मोदी देश भर का नेतृत्व कर रहे हैं, अब देश भर का नेतृत्व देश की सरकार चला रहे हैं, लेकिन हर प्रदेश में आकर नेता तो हमको चाहिए ना। जब हर प्रदेश में नेता होंगे और प्रदेश को प्रदेशों का काम अपने प्रदेश के नेता करेंगे, केंद्र का काम केंद्र के नेता करेंगे, नरेंद्र मोदी हर प्रदेश में प्रादेशिक बातें करेंगे ऐसा तो नहीं है। इसलिए हर प्रदेश में एक अच्छे नेता के नाते से जो व्यक्ति अच्छा होता है उसको आगे लाना ही होता है,
इसलिए एक अच्छी प्रशासक रही हैं, देश यानी प्रदेश को एक अच्छा शासन दे सकती हैं, उनके प्रति एक विश्वास किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कोई विरोधाभास की बात नहीं है। खट्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि दीज डेज योर हार्ट इज़ बीटिंग फॉर दिल्ली, आप दिल्ली में पानी की चिंता कर रहे हैं, दिल्ली के लिए उसका मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा में भी पानी की कमी है, उसको लेकर आप चिंतित नहीं हैं? नहीं, हरियाणा की चिंता, क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री मैं हूं, तो हरियाणा का दायित्व तो मेरा काम है, इसलिए हरियाणा में दिल्ली के किसी हित में और हरियाणा के हित में टकराव नहीं है, और जब टकराव होगा तो उस समय आपस में बैठ करके विचार करेंगे कि इस टकराव को कैसे दोनों के हितों में सफल यानी सफलतापूर्वक कैसे हल करेंगे। जहाँ तक पानी का विषय है, हमने हरियाणा के पानी में कहीं कोई कमी नहीं की, जी केवल व्यवस्था परिवर्तन इतना था कि जो पानी वेस्ट जा रहा था, पुरानी नहर में जो पानी चल रहा था उसके कारण से बहुत बड़ी मात्रा में पानी वेस्ट था, नई नहर का उसका उपयोग करके हमने उस पानी की मात्रा को बचाया है। बचे हुए पानी का उपयोग अगर दिल्ली को होता, हरियाणा को होता, तो उसमें क्या दिक्कत है? वेस्टेज तो वेस्टेज है, देयर इज नेशनल लॉस। नेशनल लॉस को कम करके किसी प्रदेश को फायदा होता है, चाहे हरियाणा को चाहे दिल्ली को, उसमें क्या आपत्ति? जी कोई आपत्ति नहीं। हरियाणा के पानी में कहीं कोई कमी नहीं है, हरियाणा का पानी, हम दक्षिण हरियाणा की भी चिंता कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम वहाँ पर अपने इरिगेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, जो कमियाँ उसको दूर करेंगे। पानी के सोर्सेज हमारे हरियाणा के बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, क्योंकि पानी के जितने भी सोर्सेज हैं वो हिमाचल पंजाब के पास हैं अथवा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास हैं, हरियाणा। आपको लगता है कि सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हिमाचल के मुख्यमंत्री हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, सब मुख्यमंत्रियों को ये जो पानी की समस्या है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि और प्रदेशों को भी, उस पर बैठकर बात करनी चाहिए? पानी वास्तव में ये राष्ट्रीय धरोहर होनी चाहिए, और राष्ट्रीय धरोहर होने के बाद इसमें प्रदेशों को जिसकी जितनी आवश्यकता है उसका उस ढंग से वितरण करना चाहिए। एक नई जल नीति के नाते से हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार को भी कि इस विषय पर आपसी राजनीति न करके, एक जल ऐसा विषय है जो मनुष्य के लिए एक यानी अभिन्न उसका जो भाग है मनुष्य का, यानी मनुष्य जीवन का, इसका उपयोग देश के समुचित विकास के लिए सब प्रांतों में उसकी आवश्यकता अनुसार बंटवारा करें, उसका लाभ होगा। खट्टर साहब, आपसे हमारे सीधे सवाल जारी रहेंगे, यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं डायरेक्ट विद दिनेश। खट्टर साहब, ये 3 महीने आपकी सरकार को हो चुके हैं, क्या मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने जा रहा है? होगा, अब कब होगा ये एक स्ट्रेटजी का विषय है, ये कोई इसमें ना जल्दी है ना देर करेंगे, जब भी आवश्यक लगेगा तब करेंगे। लेकिन जब भी होगा, जो रूठे हैं उनको मनाने और उनको लाने का काम होगा, उनको जगह मिलेगी इसमें? हमारा कोई रूठा हुआ कोई विधायक नहीं है, सब तालमेल से काम कर रहे हैं, सरकार को और अच्छे ढंग से जिस चीज़ उपयोगिता हमको लगेगी उनको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा, उसकी अपनी एक सीमा है। हमको 4 मंत्री और बनाने हैं, तो इसलिए 4 मंत्री जो भी योग्य डिलीवर करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, हमको शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो भी जहाँ कमी लगती होगी उस हिसाब से लाया जाएगा। यूरिया का मुद्दा हरियाणा में एक ये कहा जाए कि प्रज्वलित मुद्दा बना हुआ है, किसान सड़कों पर हैं लेकिन उनको यूरिया तो नहीं मिल रहा, उनको पुलिस की लाठियां जरूर मिल रही है। 2-3 बातें हैं इसमें। जी, पहली बात तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति होती है। प्रारंभ में हमारा, चौके मैंने बताया 2-3 महीने इस प्रकार का एक विषय था जिसके अंदर हमको भी चीज़ें समझनी थी। इस राजनीति में एक भाग तो ये है कि हमें जो स्टॉक जितना पिछली सरकार से मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। हमने आंकड़े सब देखे हैं, तो आंकड़ों में पता लगा कि हर वर्ष 1 लाख से ऊपर मीट्रिक टन स्टॉक में बचता था, इस बार बहुत कम वो छोड़ के गए, वो एक गैप था। उस गैप को आखिर सीजन के अंदर तो पूरा नहीं हो सकता, बाद में ही पूरा होगा। आपने एक फैसला लिया कॉस्ट कटिंग को लेकर, जिसमें ना सिर्फ ये कहा जाए कि ब्यूरोक्रेट्स बल्कि मंत्री भी खर्चा जो है एक हिसाब से करे, एक लिमिट कर दी गई, लेकिन आप ही के कुछ मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, काफ़ी कम है और इसमें नहीं हो पाएगा। जितनी बातें ठीक हैं उतनी ठीक करेंगे, जो सही नहीं है जहाँ भी धर्म आएगा उसको वापस, उसको अगर कोई बात बदलनी भी होगी बदलेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कई बार इंप्रेशन ऐसे हो जाते हैं, जितना आवश्यक है उतना आवश्यक खर्च होना चाहिए, अनावश्यक चीज़ों को रोकना। जैसे हमने आते ही सिक्योरिटी का एक विश्लेषण कराया, एनालिसिस कराया, मुझे ध्यान में आया कि स्वयं सीएम की जो सिक्योरिटी है उसमें बहुत आवश्यकता गुंजाइश है उसमें सुधार करने की। तो
तो हमने उसमें से लगभग 180 लोगों को अपनी सिक्योरिटी में कम कराया। आपने अपनी सिक्योरिटी से आप कह रहे हैं सिक्योरिटी से कम कराया। कुल मिला के हरियाणा में सब सिक्योरिटी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLAs, प्राइवेट सिक्योरिटीज, इन सब में 735 लोगों को कम किया है। अब 735 लोगों का पुलिस का बजट एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस बजट के बराबर होता है, तो इतना अनाप शनाप जो खर्चा हो रहा है इसका बोझ कहाँ पड़ेगा? जनता पर पड़ेगा। तो जनता पर ये बोझ न पड़े, ये तो जनता को करनी होगी। यदि हमको कोई कहता है कि हाँ ईमानदार हैं, तो ईमानदारी दिखानी भी होगी ना। ईमानदार हैं तो केवल कहने कहने से बात थोड़ी बनेगी। इस प्रकार के बहुत ऐसे खर्च हैं जो अनाप शनाप किए गए हैं अपने व्यक्तियों को, जैसे ना अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे जी। ये जो कहावत चरितार्थ हुई है इसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे। यहाँ ना कोई अपना है ना पराया है, सब एक परिवार है, और एक परिवार के जो लोग हैं उनकी सबकी चिंता करना ये हमारा काम है। तो खट्टर साहब, आप क्या मानते हैं कि आप पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनने के बाद आप मुख्यमंत्री भी बन गए, तो इसको क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती या संघ के पुराने कार्यकर्ता उसका इनाम आपको मिला? मैं मुख्यमंत्री के दायित्व को इनाम नहीं मानता, एक दायित्व मानता हूँ, एक सेवा का काम मानता हूँ, और ये दायित्व मुझे दिया गया है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी मिल सकता था, कोई नरेंद्र मोदी के साथ मित्रता दोस्ती या संबंध और लोगों के नहीं, ऐसे थोड़ी। लेकिन आप ही को क्यों, आप पहली बार विधायक बने, आपसे वरिष्ठ नेता थे, उनको तर्जीह नहीं दी गई? ये कम से कम मेरे से ना पूछा जाए तो अच्छा, मेरे जिम्मे काम लगाया है, जिन्होंने जिम्मे लगाया उनसे पूछा जाए बहुत अच्छा रहेगा जी। दूसरा, खट्टर साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि 3 महीने का आपका कार्यकाल हो गया, खट्टर साहब कितने वक्त जो है कितने घंटे काम करते हैं? काम करने का जो एक सिलसिला वो आज से नहीं है, मैं संगठनती रहा तब भी इतना ही करता था, देश भर के अंदर कई दायित्व मिले तब भी उतना ही करता था, आज भी उतना ही करता हूँ। प्रातःकाल उठ करके जितना आवश्यक होता है अपने शारीरिक आवश्यकताओं के लिए घंटा डेढ़ घंटा जो लगता है, उसके बाद फिर मैं अंदर काम ही काम है, काम के अलावा और कुछ काम है ही नहीं है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं आपके कुछ शौक भी है, क्या आपको पसंद है, क्या आप अगर आपको अपने लिए वक्त मिलता है तो क्या करते हैं? सर, कभी ध्यान में नहीं आता कि मुझे अपने लिए वक्त कोई चाहिए, मेरा जितना अपनी भी आवश्यकताएं हैं वो उस रूटीन में सब पूरा करा देते हैं। मुझे अगर अपने लिए मानो भोजन भी करना है तो मुझे बाकी लोग कहते हैं भोजन का समय हो गया चलो भोजन करिए, अब आपका स्नान का समय हो गया जाओ स्नान करो, अब आपका सोने का समय हो गया सोने के लिए। मेरी सारी योजनाएं मेरा जो स्टाफ है वो सब बना देता है, उस हिसाब से करते हैं, मुझे उस प्रकार की कोई बहुत बड़ी चिंता होती नहीं। समाचार पत्र के आने पर समाचार पत्र भी देख लेता हूँ, आप जैसे लोग मिलते हैं टीवी देखने के लिए कहते हैं थोड़ा टीवी भी देख लेता हूँ। कोई पर्टिकुलर अलग से कोई शौक पाला, शौक एक ही है, वो है इस देश की सेवा करना। इस देश की सेवा में जो दायित्व मिलेगा वो प्रदेश का मिला है तो प्रदेश का करेंगे, जिले का मिलेगा तो जिले का कर लेंगे, तहसील का मिलेगा तहसील का कर लेंगे, इसलिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। आज जो दायित्व मिला उस दायित्व को पूरा करना ये मेरा शौक है। क्या आपको मूवीज देखना पसंद है, कभी पिक्चर्स देखी आपने? कोई कौन सी लास्ट ऐसी मूवी थी, पिक्चर थी जो आपने देखी हाल ही में? अब एकदम लास्ट कौन सी देखी तो ये ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन स्कूल कॉलेज के समय एकाध पिक्चर देखी। सबसे पहली पिक्चर मैंने देखी थी आकाशदीप नाम से जी, अब वो नाम ही याद है उसका, क्या वो पिक्चर थी क्या नहीं थी मुझे आज भी ध्यान नहीं है। फिर एक मनोज कुमार की फिल्म होती थी, आई थी खेती किसान कुछ करता है, यानी वो एक फिल्म ऐसी उस समय लगता था कि देशभक्ति की फिल्में भी बनती हैं, वरना फिल्मों के बारे में प्रारंभ में ही होता था ये फिल्में केवल नाच गाना मौज मस्ती इसके लिए होती हैं, लेकिन देशभक्ति की फिल्में भी होती हैं। वो पहली एक फिल्म थी मेरा देश सोना उगले, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले। कौन आपका फेवरेट स्टार है, मूवीज आप देखते हैं, आपको पिक्चर पसंद है आपने कहा? नहीं, उतनी पसंद नहीं है मुझे, मैं अपने आप में यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से हमेशा रहा हूँ, वो सामाजिक काम करने वाले लोगों की प्रेरणा है। इतिहास में बहुत ऐसे पुरुष हैं, शिवाजी महाराज हुए हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस, उनकी जीवनी पढ़ी, देश के ऊपर कैसे मरना मिटना, यानी देशभक्ति की जितनी बातें सामने आई उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। मुझे जो देश विभाजन की घटना है, इस घटना ने भी बड़ा प्रेरणा दी कि नहीं, देश और समाज के लिए काम करना चाहिए। हमारी दादी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती थी और कहानियों में आंखों देखा जो उनका उस समय का हाल था, क्योंकि हमारा जन्म तो बाद में हुआ, उस समय जो उन्होंने अपनी पीड़ा की और सारे समाज की जो कहानियाँ सुनाई बताई आंखों देखी, उसमें लगा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश और समाज को काम करने के लिए प्रेरणा देती। खट्टर साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इनसे
आपको हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमको लिख सकते हैं editorpunjabi@zmedia.slgroup.com पर। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए Zee Media। नमस्कार।